हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन फ्लेवर्स। तो आज चलिए फिर से एक रेसिपी हम लेकर आए हैं आपके लिए जो सबको ही बहुत पसंद आने वाली है, और जो है कॉर्न्स की। कॉर्न्स तो ऑब्वियसली सबके ही फेवरेट होते हैं। तो चलिए हम आज कॉर्न की एक सब्जी बनाएंगे, चीज़ी कॉर्न मसाला। तो सबको बहुत ही पसंद आएगी। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल्स ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर कमेंट्स एंड एक्सपीरियंस, इट्स वैल्यूएबल फॉर अस, सो हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ आर वीडियोज़ एंड रेसिपीज़। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी, चीज़ी कॉर्न मसाला की सब्ज़ी। सो फ्रेंड्स, इसके लिए ये हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये देखिए आप, एक तो हम कॉर्न ले लेंगे। ये मेरे 2 कप कॉर्न जो हैं ये बॉईल कर लिए हैं पहले से ही। और इसके बाद ये हमने गार्लिक और जिंजर जो है ये चॉप कर लिया है, हम चॉप्ड लेंगे, हमें ग्राइंड नहीं करना है। और ये हमने 2 टमाटर जो हैं बड़े साइज़ के चॉप कर लिए हैं। ये अनियन है जो हमने 2 बड़े साइज़ के चॉप कर लिए हैं। इसके बाद ये हमने स्प्रिंग अनियन का वाइट पोर्शन अलग कर लिया है, ग्रीन पोर्शन अलग कर लिया है। और ये हमारा कैप्सिकम है, एक हमने छोटे साइज़ का कैप्सिकम चॉप कर लिया है। ये हमारा मोज़रेला चीज़ है जो हमें 1/4 कप ग्रेट कर लिया है। और ये हमारा जो है पनीर है जो हमने 1/4 कप जो है हमने ग्रेट करके रख लिया है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पैन ले लिया है, पैन हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच जो हैं ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ऑयल हमारा हीट अप होने पे हम इसमें हमारे क्रश जिंजर और गार्लिक ऐड कर देंगे। पहले हम इन्हें हल्का सा सॉटे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा जिंजर और गार्लिक जो है ये सॉटे हो गए हैं। इसके अंदर हम अपने अनियन जो हमने क्रश किए थे, ये चॉप्ड अनियंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जब गार्लिक और जिंजर हम पहले सॉटे करते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है बर्न गार्लिक का, वो बहुत ही ऑसम आता है। अभी हम प्याज को थोड़ा भूनेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने के लिए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इसे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम अपने ग्रीन अनियन का जो हमारा वाइट पोर्शन था उसको हम ऐड कर रहे हैं, और हम कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं। ग्रीन जो हमारा ग्रीन अनियन का पोर्शन है ये हम अभी स्प्रिंग अनियन का इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये हमें लास्ट के लिए रखा है। तो अब हम इसे सॉटे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे हमारे अनियन जो है वो अच्छे से सॉटे हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने चॉप्ड टमाटोज ऐड कर देंगे। टमाटर को हम थोड़ा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखें ये हमारे टमाटोज भी सॉटे हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने ड्राई मसालाज ऐड करेंगे, जिसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जहाँ पर मैं जो है 1 बड़ा चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद हम काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर जो है पिसा हुआ आप डालेंगे, ये भी 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप साबुत मिर्ची को जो है गर्म पानी में भिगो के आप पीस के यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सॉटे करेंगे थोड़ा। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। तो अब हम ठीक से इसे मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें हम 1/2 कटोरी जो है पानी ऐड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो पनीर हमारा ग्रेट कर लिया था वो हम ऐड कर रहे हैं। पनीर ऐड करने के बाद हम इसमें क्रीम यूज़ करेंगे। ये हमने 1/4 कप क्रीम यूज़ करी है इसमें।
आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं फैट के। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम अपने कॉर्न्स ऐड कर रहे हैं, जो 2 कप हमने कॉर्न बॉईल कर लिए थे पहले ही, बॉईल करके हमने इसे स्ट्रेन कर लिया था। आधा कप हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं। अब इसे हल्का सा जो है हम लोग बस 1 से 2 मिनट जो है इसका बॉयल आने देंगे। ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है क्योंकि हम ऑलरेडी क्रीम इसकी यूज़ कर चुके हैं, तो क्रीम जो है वो फिर घी छोड़ देती है। ऊपर से हम इस पे धनिया जो है हरा धनिया चॉप करके ऐड कर रहे हैं, और हमने स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन पोर्शन जो हमने रखा था हम इसको ऐड करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉर्न मसाला जो है रेडी है। तो होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और चलिए पहले हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स सर्विंग बाउल में डालने के बाद हम इसे जो मोज़रेला चीज़ है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। कॉर्न्स तो वैसे भी सबके फेवरेट होते हैं, और होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। एंड प्लीज़ अपने कमेंट जो हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो Enjoyed this recipe? Thank you.